अलीगढ़ शराब से मौत मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश देते हुए आबकारी और गृह विभाग के अधिकारियों को तलब कर दिया है। सीएम ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई शराब सरकारी ठेके से गई है तो ठेके को सीज कर दिया जाए। वहीं वाराणसी के आदमपुर क्षेत्र में सभी मदिरा के दुकानों की चेकिंग सहायक पुलिस आयुक्त प्रवीण सिंह व पूरी पुलिस टीम के साथ चेकिंग की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त बयान है कि मौत के मामले में दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए, दोषियों की संपत्ति जब्त कर नीलामी होगी और मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। क्यूआर कोड जो लगे रहते हैं उसको भी हम स्कैन कर रहे हैं और सारे अभी तक तो जाँच में सही पाए गए हैं और अगर इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो उसमें तुरंत ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। शासन के निर्देश पे जो दुकानों की रैंडम चेकिंग की जा रही है, स्टॉक का मिलान किया जा रहा है जिससे कोई अवैध मदिरा ना बिकने पाए। जी कुछ कमियां पाई गई हैं? नहीं नहीं, अभी तक कोई कमी नहीं पाई गई है, दुकानें सही चल रही हैं। लोग आ रहे हैं नहीं, उनको निर्देशित किया गया था, अगर गलती पाई जा रही है तो उनको जुर्माना किया जाएगा उनके ऊपर। वहीं एसीपी दशा समेत अवधेश कुमार पांडे द्वारा शहर की शराब की दुकानों पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई। वहीं उनके साथ आबकारी इंस्पेक्टर अमित कुमार सिंह के साथ ही थाना प्रभारी महतम यादव मौजूद रहे। अलीगढ़ में हाल ही में हुए जहरीले कांड के को मद्देनजर देखते हुए सारी दुकानों की चेकिंग हो रही है, कहीं पर अवैध शराब ना पाई जाए और पीने में और ओवर रेटिंग की जाँच की जा रही है। और इससे क्या अपील भी करेंगे सर, जनता से क्या अपील भी करेंगे? जनता से ये अपील है कि जिस भी दुकान पे जाएं पूरी कोशिश करें कि वो जो है अवैध शराब उनको ना मिल पाए, ओरिजिनल शराब पीने की है और दूसरी एमआरपी पे पैसा उनको मतलब खरीदने की कोशिश करें। इसी कड़ी में अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड को गंभीरता से लेते हुए एसीपी कैंट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शहर की कई शराब की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस टीम ने सघन जांच की। जी हाँ, पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा एक चेकिंग अवैध शराब जो बना रहे हैं, अवैध शराब बिक रही है या शराब में जो मिलावट होकर बिक रही है उसके विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस और आबकारी टीम दोनों मिलके अलग अलग शराब के ठेकों में जाके चेकिंग कर रहे हैं कि वो सही तरह से शराब बेच रहे हैं नहीं बेच रहे हैं, वो स्टॉक में कोई उनके हेर फेर तो नहीं है और बारकोड भी स्कैन किए जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि वो जो शराब जो बिक रही हैं वो वैध शराब ही हैं, ऐसा तो नहीं कोई मिलावट करके कोई ऊपर से अलग से बार कोड लगा के उन्हें बेचा जा रहा है। कहीं कोई शिकायत मिली है सर? जी नहीं, चेकिंग की गई थी, अभी तक ऐसे कोई शिकायत नहीं मिली। आज किस किस रूट पर आप लोगों ने चेकिंग अभियान चलाया? नदेसर में जितने भी वरुणा ब्रिज के आसपास जितने भी देसी और अंग्रेजी शराब के ठेके थे सब जगह चेकिंग करी।